आज हम ये फसल विजिट करने के लिए डीजी खान के करीब इलाका है तौसा, तौसा के बराबर में इलाका है वहुआ, वहाँ पर हमारे दोस्त फार्मर हैं रईस मोहम्मद अली खेतरान, उनके फार्म पर हम आए हैं ताकि आपको मुकम्मल टेक्नोलॉजी के बारे में लहसुन की मालूमात दे सकें। लहसुन की वो पैदावारी टेक्नोलॉजी जिससे आप एक एकड़ से 200 मन तक पैदावार हासिल कर सकते हैं, बल्कि 200 मन से 250 मन तक आप अपनी पैदावार हासिल कर सकते हैं। हम इस पे बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी के बारे में जिसमें आपकी पैदावार 200 से 250 मन फी एकड़ उतर सकती है और मार्केट में उसका रेट क्वालिटी के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा मिल सकता है। लहसुन की गोली से लहसुन तैयार करने से और मुकम्मल लहसुन से नई फसल तैयार करने तक की तमाम मालूमात हम आपको इस एक वीडियो के अंदर मुहैया करेंगे, इसलिए आप किसी के धोखे में ना आए। लहसुन की फसल को आप बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिस तरह एक आम फसल हम तैयार करते हैं बिल्कुल वही तरीक़ाकार है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि यह फसल आपको ज़्यादा पैसा कमा कर देती है तो लोग इसको आपके लिए मुश्किल बनाते हैं। मुश्किल फसल नहीं है, बहुत आसान फसल है। बहुत कम मेहनत के ऊपर आप प्रति एकड़ 16 लाख से 40 लाख रुपया तक कमा सकते हैं। ये एक मुकम्मल आज ही हार्वेस्ट किया हुआ बूटा है, ये आप इसकी मुकम्मल शक्ल दे सकते हैं। ये इसको गोली कहते हैं जो इसके ऊपर लगी हुई है। ये कोई इसका प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि इसको आप दोबारा लगाकर एक बार इसमें से बल्ब हासिल कर सकते हैं। उस बल्ब को लगाकर आप दोबारा इसी साइज़ का, इसी शहद का आप दोबारा से बूटा हासिल कर सकते हैं, इसलिए इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका समझें बेसिक सीड है, जैसे आप नए बल्ब तैयार करेंगे उस बल्ब के बाद इसके लगाने, उस बल्ब को जब आप दोबारा लगाएंगे तो आपको यही लहसुन उसमें से हासिल होगा। ये स्विंग की हुई है, ये देखें एक बूटे से दूसरे बूटे का फासला तकरीबन 10 इंच है। आपने कोशिश करना है कि आप 9 इंच की एक लकड़ी काट के जो लोग इसकी वेयर कर रहे हैं उनके हाथ में दे दें, तो पौधे से पौधे का फासला जो है वो 10 इंच होना चाहिए। और जो ये रिजेस का फासला है, जो आम तौर पे हम प्याज के लिए रिजेस बनाते हैं, ये वो रिजेस हैं, वही फासला रखें जो प्याज के लिए हम करते हैं। इस लाइन से उस लाइन का जो फासला है तकरीबन 2 फुट है, इसको 2 फुट के फासले पर रखें। और पौधे को पौधे से जो फासला है वो आप 10 इंच तक रखें। इसमें जो बीमारियाँ आती हैं, ये डाउनी है जिसमें चोटी सूखती है, इसके ऊपर स्प्रे पे हम बात करेंगे कि आपने डाउनी पे क्या स्प्रे करना है। इसके बकिया फर्टिलाइज़र पे बात करेंगे और इसके अमराज के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से इसके ऊपर मर्ज आते हैं। वो जो सामने बूटों में पीलापन नज़र आ रहा है, ये डाउनी का मर्ज है। इसके लिए आप मेटल एक्सल मैंकोजेब 500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से 2 से 3 स्प्रे करें। और फर्टिलाइज़र जो हैं, इसके लिए आपने एक बोरी DAP शुरू में, एक बोरी पोटाश और अमोनियम सल्फेट आपने देना है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता फर्टिलाइज़र आपने चलाने, ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी ये ख़राब हो सकता है। इसके अलावा जड़ों की इसके अंदर बीमारी आती है, रूट रॉट भी इसके अंदर आती है, उसके लिए आप थायफेनेट मेथाइल 400 ग्राम फ्लड कर सकते हैं पानी के साथ, उसे कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा थ्रिप्स और थोड़ा बहुत अटैक होता है, उसके लिए आप कोई भी थ्रिप्स की अच्छी कंपनी की दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आसान चीज़ें हैं, बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मैनुअल हार्वेस्टिंग। ये मैनुअल हार्वेस्टिंग का तरीक़ाकार है, अगर आप ट्रैक्टर वगैरह से भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मैनुअल हमारे यहाँ लेबर आमतौर पर मौजूद होती है। ये फाड़ा लेकर उसके ज़रिए ज़मीन खोद कर जब बिल्कुल खुश्क हो चुका होता है तो आप इसको निकाल सकते हैं। आपने घास देखा होगा, घास के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप घास मार इस्तेमाल कर सकते हैं। घास मार इस्तेमाल करने से 2, 3, 4 बार भी आप इसके ऊपर घास मार इस्तेमाल करके घास कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी अद्वियात मिल रही हैं घास मार, जो खड़े लहसुन के अंदर स्प्रे हो जाती हैं। तो ये हार्वेस्ट करने का तरीका है, इस तरह से इसको आप खेड़ों से ज़मीन को खोदेंगे और ये लहसुन निकलता रहेगा, निकाल के आप इसको जमा करते जाएंगे। बस ये ख्याल करना है कि आपने जड़ों समेत निकालना है, ज़मीन से जो निकालना है वो जड़ों समेत निकालना है।
ये तरीक़ाकार है, जब हार्वेस्ट हो चुका है तो आपने इसको निकाल के यूँ मट्टी साफ़ करके इनको यूँ जमा करते जाना है। जमा करके छोटी छोटी ढेरियाँ बनाकर इनको एक जगह पर रख लेना है। यूँ रख एक जगह पर जमा करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर बारिश वगैरह होती है, मौसम वगैरह होता है, तो आप इसके ऊपर तरपाल देकर इसको ढक सकते हैं। निकले हुए के ऊपर अगर बारिश पड़ती है तो इससे इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप बारिश से इसको महफूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइज़र आपने देखा, DAP पोटाश वगैरह आपने पोखी में खिलियाँ निकालने से पहले ही दे देना है, और उसके बाद बहुत कम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होगा। और इस तरीके से आपने निकाल कर हार्वेस्ट करने के बाद इसको जमा करना है। इससे आपको बारिश वगैरह मौसमी असरात से महफूज रहेगा, 2 से 3 दिन तक खेत के अंदर इसी हालत में रहेगा। उसके बाद जब आप इसको स्टोर करेंगे तो स्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको हवादार क्रास हो और सायादार जगह हो। इस तरह जिस तरह ये ज़मीन पर रखा हुआ है, इस तरह लंबे अरसे तक अगर आप रखेंगे तो इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, इसमें फंगस आने का डर होता है। इसलिए आपने इसको मट्टी वगैरह झाड़ कर यूँ सारे को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके इसकी मट्टी वगैरह अच्छी तरह झाड़ लेनी है। झाड़ कर फिर इसकी आपने छोटी छोटी गठलियाँ बनानी है। गठलियाँ बना के छोटी छोटी इनको फिर आपने साफ़ करके ऊपर टांकना है, और कोशिश करना है कि आप इसको किसी सूती कपड़े से या प्लास्टिक की किसी रस्सी से इसको बांधें। लोहे की तार इसको बांधने के लिए इस्तेमाल ना करें, उससे भी मर्ज़ आने का अंदेशा है। यूँ इसको साफ़ करके, बिल्कुल ये हार्वेस्ट करके खेत से लाया हुआ है, इसको अब छोटी छोटी गठियाँ बनाई जा रही हैं। वो गठियाँ फिर हम इस तरीके से छत के ऊपर शटरिंग की तार बांधकर एक एक फुट के फासले पर इसको लगाएंगे। तो एक दूसरे के वज़न से हवा के कम गुजार की वजह से इसमें नुकसान का डर होता है। आपने क्या करना है, यूँ इसको बांध लेना है, बांध कर यूँ इसकी ढेरियाँ बना लेनी है, और इन ढेरियों को आपने लटका देना है। तो इसके ऊपर वज़न नहीं होगा, इसलिए ये एक दूसरे का नुकसान नहीं कर पाएंगे। स्टोरेज करने के लिए आपका G1 को लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपने स्टोर करना होता है, स्टोरेज करने के लिए आप इस तरीके से गिठाने बनाकर छत से आप लटका सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि इसमें आपका बीज ख़राब नहीं होगा। बीज की जो हब्स होती है एक दूसरे के ऊपर रखने से, उसे बीज का नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान से बचाने के लिए इसको आप यूँ छत से लटका कर आप इसको नुकसान से बचा सकते हैं। इस तरह बीज की आपकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगी और बीज आपका लंबे अरसे तक महफूज रह सकेगा। अभी हार्वेस्टिंग इसकी मई में हुई है और इसने सेप्टेम्बर में, अक्टूबर में शिफ्ट होना है, तो उस टाइम तक के लिए इसको स्टोर करने के लिए आप इस तरह रखेंगे, तो इससे आपका बीज की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, बीज का जर्मिनेशन अच्छा आएगा और बीज आपका ख़राब नहीं होगा। छत से तार लटकाकर उसको नीचे लाएंगे, और जिससे हम ये चारपाइयाँ बुनते हैं सूती कपड़े से, उससे आप इसको बांध लेंगे। बांध कर आप कुछ कुछ फासले पर लटका लेंगे इसको, यूँ गिठाने बनाकर, उससे ही आपका बीज ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से ये आपका जो बीज है लंबे अरसे तक महफूज रहेगा, इसमें कोई फंगस नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, हवा का क्रास होगा। यूँ आपने इसको हवा का क्रास देना है, हवा के क्रास होने से जो इसमें अंदर हब्स होगा वो बाहर आता जाता रहेगा, फ्रेश हवा मिलती रहेगी, सायादार जगह होगी, और बिल्कुल नुकसान से आपका लहसुन का जो बीज है G1 वो महफूज रहेगा।